अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस दिया गया है। अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस, इस वक्त की बड़ी खबर। अखिलेश को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस, अखिलेश को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है उनके खिलाफ, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। जवाब मांगा है, तलब किया है। हालांकि एक इसमें एक क्लू यह भी है कि अखिलेश यादव अपना जवाब जो है दाखिल कर सकते हैं सीबीआई में, सीबीआई दफ्तर बिना जाए हुए। लेकिन अब यह देखना होगा कि कल अखिलेश यादव सीबीआई दफ्तर जाते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सीबीआई ने फिलहाल तलब किया है अखिलेश यादव को। इस वक्त की बड़ी खबर है, अवैध खनन मामले में अखिलेश यादव को नोटिस जारी हुआ है, और इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने कल की जो डेट है वो तय की है। कल तलब किया गया अखिलेश यादव को। अब फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि सीबीआई क्या कुछ आगे इसमें अभी जो है आदेश जारी करती है। लेकिन फिलहाल जो फौरी जानकारी आ रही है उसके अनुसार सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर नोटिस जारी किया है अवैध खनन मामले में, और अखिलेश यादव को कल इस पूरे मामले में जो है तलब होना होगा, सीबीआई को सीबीआई जो दफ्तर है वहां पहुंचना होगा। तो ऐसे में अब चूंकि इस पूरे मामले को लेकर अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने पहले एफआईआर दर्ज की थी, और उसके बाद अब धीरे धीरे इस पूरे मामले की जो जाँच है वो सीबीआई आगे बढ़ा रही थी। और अवैध खनन मामले में ही जो एक आईएएस है उनके घर पर छापेमारी भी की गई थी, सीबीआई ने छापेमारी की थी, एफआईआर में उनका नाम भी किया गया था। और इसके साथ साथ अब इस पूरे मामले में सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है और अखिलेश यादव को नोटिस जारी किया गया है। जी बिल्कुल, तो अखिलेश यादव को उनकी सरकार जो 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में रही थी उस दौरान अवैध खनन के एक मामले में अखिलेश यादव को तलब किया गया है। कल सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इलीगल माइनिंग यानी अवैध खनन के मामले में उन्हें तलब किया गया है। अवैध खनन केस में अखिलेश यादव को तलब किया गया है। अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस और कल पूछताछ के लिए सीबीआई का सामना अखिलेश को करना होगा। दिल्ली के सीबीआई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है, मतलब देखिए आपको कल अखिलेश यादव को दिल्ली में पेश होना होगा। और इसमें आपको बता दें कि अखिलेश को बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा गया है, मतलब इस पूरे मामले, चूंकि जब ये पूरा अवैध खनन हुआ था तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव थे, ऐसे में उस वक्त गायत्री प्रजापति खनन मंत्री थे, और इस पूरे मामले को लेकर लगातार गायत्री प्रजापति में पहले ही शिकंजा कसा जा चुका है। और अब अखिलेश यादव को बतौर गवाह कल पेश होने के लिए कहा गया है। एक जो नोटिस है, नोटिस में यह भी कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत ये नोटिस जारी किया गया है, और सीबीआई ने यह नोटिस अखिलेश को जारी किया है। 21 फरवरी को यह नोटिस जारी किया गया था, जिसमें अखिलेश यादव को कल 29 तारीख को दिल्ली के सीबीआई कोर्ट में यह पेश होना होगा। आपको एक बार फिर से बता दें दर्शकों को कि 21 फरवरी को यह नोटिस जारी हुआ था, हालांकि इसकी जानकारी बाद में आई है। कल अखिलेश यादव इस पूरे मामले में दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में उनको पेश होना होगा, बतौर गवाह उनको पेश होना होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हमीरपुर में 2012 से 2016 के बीच में कथित अवैध खनन से संबंधित ये पूरा मामला है। जनवरी 2019 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, खनन अधिकारी और अन्य सहित कई लोग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, और इस पूरे मामले को एफआईआर में जब किया गया था उस पूरे मामले को आधार सीबीआई ने बनाया था। और अब इस पूरे मामले में अखिलेश यादव को और गवाह कल सीबीआई कोर्ट में सीबीआई दफ्तर में पेश होना होगा। कल दिल्ली की सीबीआई दफ्तर में अखिलेश यादव की पेशी होगी, बतौर गवाह उनकी पेशी होगी। और आपको बता दें इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी एफआईआर है उसमें यह कहा गया था कि आपराधिक साजिश में सरकारी कर्मचारियों ने निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना ही अवैध रूप से नए पट्टे और नवीकरण पट्टे किए, लोगों को अवैध रूप से छोटे खनिजों का उत्खनन करने की अनुमति दी गई, जिसकी वजह से राजस्व की हानि हुई है। और सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर जो है वो दर्ज की थी, और उसी जो 2019 जनवरी में एफआईआर दर्ज हुई थी उसी के आधार पर अब सीबीआई ने 21 फरवरी को अखिलेश यादव को नोटिस जारी किया, जिसके आधार पर अब कल दिल्ली में सीबीआई दफ्तर में अखिलेश यादव की पेशी होगी। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बतौर गवाह उनको पेश होना होगा, क्योंकि ये पूरा जो मामला है ये आपको फिर से बता दें कि 2012 से 2016 के बीच का पूरा मामला है, हमीरपुर का मामला है ये, और जब एफआईआर दर्ज हुई थी और उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव थे और गायत्री प्रजापति खनन मंत्री थे। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ना बिल्कुल तय मानी जा रही हैं। जी बिल्कुल, तो अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। हालांकि उन्हें जो पूछताछ के लिए बुलाया गया है वो बतौर गवाह बुलाया गया है, ये जानकारी मिल रही है। पूछताछ के लिए सीबीआई ने उन्हें तलब किया है। अवैध खनन केस में अखिलेश यादव को तलब किया गया है। अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उस दौरान अवैध खनन का मामला जिसमें सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है, हालांकि उन्हें बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ये जानकारी मिल रही है। तो अखिलेश यादव को कल यानी 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेशी के लिए बुलाया गया है।
जी न्यूज़।